हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशी और आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग। और आज इस ब्लॉग में मैं बताने वाली हूँ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल टिप्स जो कि किचन से रिलेटेड है। अगर आप एक हाउसवाइफ है तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो आप लोग हमारी इस वीडियो को पूरा देखना और स्किप बिल्कुल भी मत करना। और साथ ही मैं बोलना चाहूँगी, जो भी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, शेयर भी कर देना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करना चाहूँगी लौकी से। तो अगर आपको इस बड़े से लौकी में से थोड़ा सा लौकी को काट कर आपको कोई रेसिपी बनानी है तो बाकी के कद्दू को हम कैसे अच्छे से रख सकते हैं स्टोर करके, वो मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि अक्सर होता है कि हम फ्रिज में कद्दू को रख देते हैं और वो एक से दो दिन में ही सड़ जाता है। तो यहाँ पे देखो, मुझे कोई रेसिपी बनानी है, मतलब लौकी का पराठा बनाना है। इसके लिए मैंने इतना सा कद्दू को कट करके रख लिया है और बाकी का जो हमारा लौकी है तो इस लौकी को ना हम क्या करेंगे, पन्नी में लपेट के इसे रखेंगे, है ना। ऐसे नहीं रखना है, पन्नी में लपेट के रखना है, वरना ये जो लौकी है वो सड़ जाएगा। इस टिप्स को आप ध्यान रखना। दूसरा है हमारा तरबूज से लेकर। तो अगर हमारे घर बहुत बड़ा सा तरबूज आ जाता है और इसमें से हमें आधा तरबूज ही खाना होता है तो हम किस तरह से तरबूज को स्टोर करके इसे एक दो दिन तक मतलब रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक बड़ा सा हमारा तरबूज है, इसे मैंने आधा कट कर लिया है और आधा तरबूज को हम क्या करेंगे, एक पन्नी के अंदर रखेंगे। क्योंकि जब भी हम फ्रिज के अंदर कुछ स्टोर करके रखते हैं ना तो ऐसे ही नहीं रखना चाहिए, उसे पन्नी में अच्छे से कवर करके रखना चाहिए। और जो हमारा तीसरा टिप्स है वो है शाक को लेकर। तो यहाँ पे देखो, अगर आप फ्रिज में ना बिना पन्नी के शाक को रख देते हो तो ये देखो कुछ इस तरह का शाक हो जाता है। तो आप कभी भी बिना पन्नी के शाक को फ्रिज में मत रखना। आप जब भी साग को फ्रिज में रखें तो पन्नी में ही डाल के रखना। आपको किस तरह से रखना है साग को पन्नी में वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखो, ये जो शाग है वो काफ़ी ज़्यादा मुरझा चुका है और इस टाइप का जब साग हो जाता है ना तो फिर इसे बनाने का मन भी नहीं करता है। तो ये वाला शाग जो है वो मैंने बिना पन्नी का रखा था और ये साग है उसे मैंने पन्नी में करके रखा था। तो मैं वीडियो बनाने के लिए ही इस तरह से की थी, एक को पन्नी में रखी थी, एक को डायरेक्ट फ्रिज में ऐसे ही रख दी थी खुला। तो यहाँ पे देखो, दोनों शाग में अंतर आप खुद ही देख सकते हो। जो हमारा पन्नी के अंदर जो शाग रखा हुआ था वो देखो कितना हरा भरा है, मतलब ऐसा लग रहा है दो दिन के बाद भी कि अभी अभी मार्केट से आया है। और जो ये शाग देखो बिना पन्नी में डाले हुए रखी थी, ये बिल्कुल ही मतलब मुरझा चुका है और इससे तो मुझे शाग बनाने का मन भी नहीं कर रहा है। तो आप जब भी शाग को स्टोर करके रखें ना, मतलब एक से दो दिनों के लिए रखना चाहते हो तो पन्नी के अंदर डालकर उसे अच्छे से बांध देना, मतलब गांठ लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पन्नी के अंदर थोड़ा सा भी नमी आ जाएगा ना तो पूरा इस तरह से मुरझा जाएगा, ठीक है। आप पन्नी को कस के बांध देना। यहाँ पे देखो, शाग हमारा बहुत ही ज़्यादा हरा भरा है। तो अगर आपके घर भी शाग आता है और शाग बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है, मतलब इस तरह से हो जाता है, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि आप उसे पन्ने में अच्छे से बांध के नहीं रखते हो, ठीक है। तो आज के बाद जब भी आप फ्रिज में शाग को रखना तो पन्ने के अंदर ही रखना ताकि जो आपका शाग है वो काफ़ी ज़्यादा हरा भरा रहे। इस तरह का जब साग हो जाता है ना तो फिर इसे बनाने का मन नहीं करता है। आप इस टिप्स को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना और टिप्स को फॉलो भी करना। तो यहाँ पे देखो, इस शाग को मैंने पन्नी के अंदर अच्छे से कवर करके रखी थी इसीलिए हरा भरा है। और ये शाग देखो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है तो अब तो मैं इसे फेंक ही दूँगी। लेकिन अगर मैं दोनों शाग को इस पन्नी के अंदर रखती ना तो ये शाग ख़राब नहीं होता और ये हमारा काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला था, लेकिन अभी ये ख़राब हो चुका है। तो आप जब भी फ्रिज में शाग को स्टोर करके रख रहे हो तो पन्नी के अंदर ही रखना। यही थी हमारी टिप्स शाग से लेकर। हमारा चौथा टिप्स है पास्ता को लेकर, कि जब भी हम पास्ता को बनाते हैं तो हमें पानी के अंदर थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा मतलब एक चम्मच रिफाइंड ऑयल जरूर से डालना है। इससे ये होगा कि आपका पास्ता जब भी आप बॉयल कर रहे हैं तो आपका पास्ता एक दूसरे से चिपकेगा नहीं और बहुत ही बढ़िया सा बॉयल होकर निकलेगा। तो आप नमक और घी ज़रूर से ऐड करना। नमक घी डालने से ना एक भी पास्ता आपका एक दूसरे से चिपकेगा नहीं और बहुत ही परफेक्ट पास्ता बनकर तैयार हो। और जब भी आप पास्ता को बॉयल किए हो ना
तो आप उस पानी को निकाल कर उसके बाद एक दो पानी से और भी धो लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जितना भी मतलब वो ख़राब पानी होता है ना वो निकल जाएगा। तो ये देखो हमें नल के नीचे ना पास्ते में से बहुत ही अच्छे तरीके से सारे पानी को निकाल लेना है धुलकर। इससे ना आपका जो पास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश रहेगा और जब आप पास्ता बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा खिला खिला दिखेगा। ये देखो पास्ता बहुत ही ज़्यादा खिला खिला है, एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं चिपका है। तो आप इस टिप्स को भी याद रखना। पांचवा टिप्स है हमारा ब्रेड को लेकर, कि अगर हम मार्केट से ब्रेड लेकर आते हैं और इसे एक दिन में तो ब्रेड को ख़त्म कर नहीं सकते ना, तो इसे स्टोर करके रखना है। तो आप जब भी स्टोर करके रखें ना, आप रूम टेम्परेचर पे ही रखें, आप इसे फ्रिज में बिल्कुल भी मत रखना, क्योंकि फ्रिज में ब्रेड को रखने से वो ख़राब हो जाता है। पहला नंबर तो वो जो उसके अंदर का नमी रहता है वो ख़त्म हो जाता है, इसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है और तो और ब्रेड थोड़ा सा सूखने लग जाता है। तो ब्रेड को आप जब भी मार्केट से लाओ तो इसे रूम टेम्परेचर पे ही रखना है, ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। और फ्रिज में तो बिल्कुल भी मत रखना, फ्रिज में रखने से इसका टेस्ट चेंज हो जाता है, नमी ख़त्म हो जाती है, तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत करना। और इसी से रिलेटेड एक और है भी मैं टिप्स दे देती हूँ, कि अगर आप कोई रेसिपी बना उस रेसिपी में ब्रेड के चारों किनारों को हमें काट करके निकाल लेना है, तो आप क्या करना है, इस कटे हुए पार्ट को फेंकना बिल्कुल भी मत, क्योंकि इससे भी बहुत ही बढ़िया सा हमारी एक रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो आप जब भी कोई रेसिपी बना रहे हैं और उसके किनारे कट करके आप फ्रिज में स्टोर करके रख लेना, तो इससे ना आप बाद में बहुत ही टेस्टी ब्रेड फिंगर बना सकते हो। आप बेसन में इसे डिप करके फ्राई करके खा सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर आप एक हाउस वाइफ है तो आप अपने किचन में भुने हुए जीरे को जरूर से रखना, क्योंकि ये बहुत सारी रेसिपी में काम आने वाला है और आपका काम को आसान कर देता है। तो आप तवे पे जीरा को भूनकर इसका पाउडर बनाकर अपने किचन में हमेशा से रखना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हमारा जो नेक्स्ट टिप्स है वो है इसे क्या बोलते हैं, हाँ लालमियाँ, आप इसे क्या बोलते हैं आप हमें कमेंट में बता देना। अगर आपके घर लालमियाँ आता है, अभी तो गर्मी का समय है तो लालमियाँ मिलता है मार्केट में, अगर आपके घर लालमियाँ आता है तो अगर आप खाना इसे पसंद करते हो तो आप ये तो खा ही लोगे, लेकिन इसके अंदर जो बीज होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब हमारे लिए यूजफुल रहता है। तो यहाँ पे देखो लालमियाँ का जो बीज होता है उसे मैंने अच्छे से धोकर धूप में सुखा लिया था, एक दिन आप इसे धूप में सुखा लेना। और इसका बीज है ये बहुत सारे लड्डू बनाने में काम आता है, बहुत सारे काम आता है ना, तो आप इस लालमिया के बीज को सुखा कर रख लेना, फेंकना बिल्कुल भी मत, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, लालमिया तो खा लेते हैं लेकिन उसका जो अंदर बीज होता है उसे फेंक देते हैं। तो आप उस बीज को धोकर अच्छे से सुखा कर रख सकते हो। तो यहाँ पे देखो लालमिया हमारा, और इससे बहुत ही अच्छा बीज हमारा निकल कर तैयार हो गया है। नेक्स्ट टिप्स है हमारा पनीर को लेकर, कि हम मार्केट से पनीर को लेकर आते हैं और मान लो पनीर हमें कल बनानी है, आज नहीं बनानी है, तो हम उसे फ्रिज में स्टोर करके रख देते हैं, तो वो क्या होता है काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो आप जब भी पनीर की सब्ज़ी बना रहे हो ना, तो उसे मतलब सब्ज़ी बनाने से पहले 10 से 15 मिनट पहले फ्रिज से निकाल कर रख लेना, उसके बाद ही आप सब्ज़ी को बनाना हो, तो ये क्या होगा ना थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से अगर आप इसे फ्राई करना चाहोगे तो फ्राई हो जाएगा, या फिर अगर आप फ्राई करके नहीं भी बनाओगे तो इसमें थोड़ा सा नमी आ जाएगा। तो आप ये टिप्स ज़रूर से अपनाना। नेक्स्ट टिप से, अगर आपके घर अभी भी आम आता है और आप गुलगुले खाकर बोर हो गए हैं, एक ही जैसे गुलगुले खाकर, मतलब हम आटा और चीनी से तो गुलगुले बना लेते हैं या फिर मैदा चीनी से, लेकिन अगर आप थोड़ा अलग तरीके का गुलगुला खाना चाहते हैं तो अभी आपके घर आम आ ही रहा होगा ना, तो आप पके हुए आम को मिक्सर जार में अच्छे से पीस लेना उसके गुदे को, और उसके बाद क्या करना, मैदे में या फिर आटे में इसे मिलाकर, चीनी मिलाकर इसका बहुत ही अच्छा सा गुलगुला बनकर तैयार होता है। आप एक बार जरूर से बनाकर खाना और इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और ये ना बहुत ही ज़्यादा फुला फुला भी बनता है। जब आप इस बैटर को बनाएं तो 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना, उसके बाद आप गुलगुले बनाना स्टार्ट करना है। उसके बाद देखो बहुत ही परफेक्ट गुलगुला बनकर तैयार होता है, कलर भी बहुत ही अच्छा आता है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगता है। तो अगर आपका एक ही तरह से गुलगुले बनाकर खाकर मन भर गया है
तो कुछ आप अलग ट्राई कर सकते हैं, इस तरह से गुलगुले बनाकर खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है और थोड़ा सा यूनिक भी ये गुलगुला है। आप एक बार ट्राई करना, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि ये गुलगुला आखिर लगता कैसा है। ये आम से बना हुआ गुलगुला है और इसमें मैंने मैदा और चीनी भी डाला था, बस तीन चीज़ों से बहुत ही परफेक्ट गुलगुला बनकर तैयार होता है, जो कि बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और ये खाने में भी हेल्दी होता है। तो आप एक बार जरूर से ट्राई करना। और चलो चलती हूँ नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो नेक्स्ट टिप्स है हमारा भिंडी को लेकर, कि जब भी हम भिंडी को कट करते हैं तो उसके तुरंत बाद ही हम भिंडी को बना लेते हैं, है ना। मतलब जैसे भिंडी को काटा झटपट से सब्जी बना लेते हैं, तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप जब भी भिंडी की सब्जी को काटें तो उसे 10 से 15 मिनट के लिए ज़रूर से छोड़ देना, ताकि ना इसके अंदर जो चिपचिपा रहता है, मतलब जब हम भिंडी को काटते हैं उसके अंदर से बहुत सा चिपचिपा सा ऐसा कुछ निकलता है, ये देखो। तो अगर हम तुरंत ही सब्जी बना लेते हैं ना, तो हमारा सब्जी या जो भुजिया बनाते हैं भिंडी का, उसमें भी चिपचिपापन रहता है। अगर हम भिंडी को इस तरह से फैला के, ज़्यादा नहीं बस 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ना, 10 मिनट के बाद हम भिंडी को बनाएंगे तो बहुत ही परफेक्ट भिंडी की सब्ज़ी बनकर तैयार होगी और इसमें ये जो चिपचिपापन है वो ख़त्म हो जाएगा और सब्ज़ी बहुत ही परफेक्ट बनेगी। तो आप इस टिप्स को ज़रूर से अपनाना। और एक और टिप्स है भिंडी से ही लेकर, अगर आप झटपट से भिंडी को कट करना चाहते हैं तो आप इस तरह से एक ही बार में 4-5 भिंडी को लाइन से इस तरह से कर सकते हो और फटाफट से भिंडी की कटिंग कर सकते हो। अगर आप जल्दी जल्दी में हो तो आप इस तरह से भिंडी की कटिंग कर सकते हो, बहुत ही आसान सा तरीका है और एक ही बार में आपके बहुत सारी भिंडी कट हो जाएंगे। तो अगर आपके पास टाइम कम है और काम ज़्यादा है तो आप भिंडी को इस तरह से कट करके आपका कीमती समय बचा सकते हो। और चलो मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट टिप्स की तरफ। अगर आप गट्टे की सब्ज़ी बनाते हैं, मतलब बेसन से जो गट्टे की सब्ज़ी बनती है वो बना रहे हैं, तो आप मेरे तरीके से एक बार ज़रूर से ट्राई करना। अगर आप गट्टे की सब्ज़ी बनाते हैं, उसे बॉयल कर देते हैं और बॉयल करने के बाद डायरेक्ट उसे कट करके आप सब्ज़ी बना लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। गट्टे को जब हम वो अच्छे से बॉयल कर लेते हैं, उसके बाद उसे थोड़ा सा ठंडा कर लेना है, उसके बाद उसकी कटिंग कर लेनी है और एक चीज़ और कर लेना है। अगर आप वैसे गट्टे की सब्ज़ी बनाओगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी गट्टे की सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। अगर आप गट्टे की सब्ज़ी को और ज़्यादा टेस्टी बनाना चाहते हो बिल्कुल मेरे तरीके से, तो आप क्या करना, गट्टे की कटिंग करने के बाद आप उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देना, मतलब 4 से 5 मिनट के लिए, जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद हमें क्या करना है, इसे फ्राई कर लेना है। अगर आप इस गट्टे की सब्ज़ी को फ्राई करके बनाओगे ना, तो आपका जो गट्टे का सब्ज़ी है बहुत 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 ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। आप एक बार हमारे तरीके से बनाकर जरूर से देखना। तो आप जब भी कभी गट्टे की सब्ज़ी बना रहे हो, इस तरह से फ्राई करके जरूर से बनाना। तो यही सब थी हमारी आज की कुछ खास टिप्स जो मैं अपनाती हूँ अपनी लाइफ में, और मैं सोची आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्या पता आपकी भी लाइफ को आसान कर दे। तो चलो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।